नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और एपिसोड में, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट। कल देर शाम की ही बात है, डीआरडीओ ने 2 सफल टेस्ट किए हैं एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का। इस टेस्ट को अंजाम दिया गया है उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में। इस टेस्ट में ऐसी क्या खास बात है और यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सारे रेगुलर डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें। जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया है वह एक मैन पोर्टेबल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जिस लॉन्चर से इसका टेस्ट किया गया है उसे देश के किसी भी कोने में आराम से इसे ले जाया जा सकता है बिना किसी जद्दोजहद के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस मिसाइल में लगा है डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी लो रेंज के एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वह कोई फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर या फिर किसी प्रकार का UAV। इस मिसाइल और लॉन्चर में बिल्कुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें खास तरह का मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और एवियोनिक्स का उपयोग किया गया है। इस मिसाइल और लॉन्चर पर DRDO ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है ताकि इसको इस काबिल बनाया जाए ताकि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर UAV इससे बच न सके। इस टेस्ट के बाद DRDO का बयान आया है जिसमें DRDO ने कहा है कि इस मिसाइल टेस्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे सबको अचीव कर लिया गया है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो दूसरे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके मिसाइल और लॉन्चर दोनों का ही वजन किसी नॉर्मल मैन पैड से कहीं ज़्यादा है। इसके लॉन्चर का वजन 7.5 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम है और मिसाइल का वजन करीबन 15 किलोग्राम है। ज़्यादातर मैन पोर्टेबल लॉन्चर का वजन 11 किलोग्राम होता है तो मिसाइल का वजन 5 किलोग्राम, लेकिन DRDO के बनाए इस मिसाइल और लॉन्चर का वजन काफ़ी ज़्यादा है और यह मैन पोर्टेबल भी है, जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि इसका रेंज भी बाकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं ज़्यादा है। इसका एग्जैक्ट रेंज कितना है अभी इसे लेकर कोई डेटा नहीं आया है। DRDO का यह एयर डिफेंस सिस्टम 100% स्वदेशी है और इसमें किसी भी प्रकार के फॉरेन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह भारत के एयर डिफेंस इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगा और दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर UAV को भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अभी जो भारत का एयर डिफेंस इकोसिस्टम है उसमें S-400, MRSAM, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम तैनात है, और मान लीजिए कि ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं तो फिर यह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा और दुश्मन के थ्रेट को मार गिराएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। और दोस्तों, जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट निकल कर आता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।